मामला राजगढ़ ने तलेन तहसील ग्राम निंद्रा खेड़ी का है। प्रीतम गौशाला में दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ की मुगल नदी में उफान आ गया और बाढ़ का पानी गौशालाओं में भर गया। गौशाला जलमग्न हो गई हैं। उस वक्त यहाँ पे 108 गोवंश थे। बुधवार को जब बाढ़ का पानी उतरा तो तबाही का नज़ारा सामने आया। इसमें कई गोवंशों की मौत हो चुकी थी। ज़्यादातर शव पानी में पड़े हुए थे तो कुछ पेड़ में लटके हुए मिले। पुलिस की जांच में पता चला कि गौशाला प्रीतम महाराज चलाते थे। यहाँ तैनात कर्मचारी बारिश के दौरान गौशाला पर ताला लगाकर वहाँ से चला गया था। उसे भी बाढ़ का अंदाज़ा नहीं था कि बाढ़ का पानी गौशालाओं में भर जाएगा और सभी गौवंश तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस गौशाला में ज़्यादातर छोटे बछड़े थे। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से सभी गौवंशों को जमीन में दफनाया। तलेन थाना प्रभारी ने बताया कि 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, 2 की गिरफ्तारी भी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।